हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सोनी लेक्स ब्लूटूथ स्पीकर का, तो फ्रेंड ये स्पीकर जो है चार्जिंग हो रहा है, बैटरी भी चार्ज है और ये स्पीकर जो हमारा ऑन नहीं हो पा रहा है। तो किसी कारण बस ये प्रॉब्लम आ चुका है। अगर आपका भी सोनी लेक्स ब्लूटूथ स्पीकर ये वाली है, अगर आपका भी स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में आपको ऑन करके दिखाऊँगा, डेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आया है तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिए और आज मैं इसको कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सेम यही सर्किट बोर्ड आपका ब्लूटूथ किट के ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर भी मिलेगा, जिसमें इस तरह का सर्किट बोर्ड मिल जाएगा। पीछे साइड में सेम ऐसे ही रहेगा, सेकंड साइड में आपको साउंड आईसी थोड़ा सा चेंज दिखेगा। इसमें छोटा छोटा साउंड आईसी लगी हुई है और दूसरे वाले में, पहले पुराने मॉडल में, उसमें बड़ी बड़ी आईसी वाला साउंड आईसी देखने को मिलेगा। सिर्फ इतने ही चेंज है सर्किट बोर्ड में। ये हमारा मॉडल है, आप मॉडल नंबर देख लीजिए। तो ये मॉडल में सिर्फ इतना ही चेंज है और सेम प्रॉब्लम है। अगर इस ट्रिक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मैं एक नया ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ इस सर्किट को प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही कोशिश किया सर्किट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब। और चलिए, मैं यहाँ पर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत, लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसके पास ये ब्लूटूथ स्पीकर है डेड हो चुका है और इसको ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें और उसका प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व वो कर पाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड, हमारा जो है बैटरी 4 वोल्ट चार्ज है। तो देखिएगा, अभी मेरा 4 वोल्ट बैटरी चार्ज है, उसके बाद भी मैं यहाँ पर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो है ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से इजीली मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। यहाँ पे 2 डायोड यहाँ पे दिख रहा है, एक डायोड मैंने खोल कर रखा हूँ। तो आपके ब्लूटूथ स्पीकर में भी इस मॉडल का है तो उसमें 2 डायोड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें 2 डायोड यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर एक डायोड को खोलेंगे, जिस साइड का मैंने खोला है उस साइड का आपको भी खोलना है और वहाँ पर शॉर्ट करना है। चलिए मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे छोटा सा वायर लेंगे और आपस में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ये एक अभी मेरा कंप्लीट ट्रिक नहीं है फ्रेंड, ये सिर्फ शॉर्ट करके आपको चेक करना है आपका ब्लूटूथ किट इसके बाद ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो जाता है शॉर्ट करने के बाद, तो समझ लीजिए कि आपका ब्लूटूथ किट चालू हो गया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके आगे क्या प्रोसेस है वो भी करना पड़ेगा, तभी जाके बिजली सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे बैटरी को खोल लगा लेते हैं। चालू तो नहीं हो पाया अभी, लगा लिया और डायरेक्टली यहाँ पे बटन को शॉर्ट करके चेक करेंगे। बटन का वायर में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम होगा, वायर का वो अपना देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट का ट्रिक बता रहा हूँ। ये 2 पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, आपका ब्लूटूथ किट ऑन हो जाएगा, जहाँ से जल्दी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ऑन करके मैंने देख लिया, शॉर्ट किया, वहाँ से शॉर्ट होने के बाद आपका ब्लूटूथ किट ऑन होना चाहिए। ऑन हो गया तो समझ जाइए कि आपका ब्लूटूथ किट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आधा। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी आपस में, जो यहाँ पर आई सी लगी हुई छोटी छोटी, ये जो आई सी है ये हीट हो रही थी। जब भी मैं चालू करके रख रहा था, ब्लूटूथ चल रहा था, तब यहाँ पर हीटेज आ रही थी, बहुत ही गर्म हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक उपाय हो रहा है। ये जो डायोड देख रहे हैं, जो डायोड को मैंने खोला, उस जगह में इस तरह का डायोड भी लगा सकते हैं, या छोटा डायोड आपको मिल जाता है कोई भी तो उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे छोटा डायोड मिल गया। डायोड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, तो सीधा लगाएंगे, अगर नहीं काम किया तो उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका ये सर्किट बोर्ड काम करेगा। तो चलिए, यहाँ पर डायोड को लगाते हैं और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर डायोड को लगाते हैं और आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा इस सर्किट बोर्ड का। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था इस डायोड का, ये डायोड जो है आपका ख़राब हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पर सर्किट बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपका आईसी उसी गर्म हो रहा है फ्रेंड, बैक साइड में एक आईसी लगा हुआ जिससे ब्लूटूथ किट चलती है, अगर वो आईसी गर्म हो रहा है और किसी अदर पार्ट गर्म हो रहा है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इस तरह का प्रॉब्लम में आपका सॉल्व नहीं होगा। कोई भी हीटेज कहीं का भी हीट नहीं होना चाहिए, तभी जाके इजीली इस तरह का ट्रिक आपका काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर लिया, बैक साइड में जो आईसी है, मैं फिर बता दे रहा हूँ,
बैक साइड में एक आईसी है, वो हीट नहीं होना चाहिए, वो ठंडा रहना चाहिए, तभी जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और इस तरह का ट्रिक आपका जो है काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे डायोड को लगा लिया हूँ और फिर मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा और पूरा ब्लूटूथ स्पीकर को चला के दिखाऊंगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, हमारा ब्लूटूथ किट ये जो है ऑन होगा, बैटरी नहीं लगाया था, बैटरी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन करके दिखाते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे यहाँ पर आपस में, एक एक माइक का और दो बटन का है, तो यहाँ पर शॉर्ट किया, हमारा ब्लूटूथ किट ऑन हो गया। देखिए ऑन होने के बाद फ्रेंड हमारा एक कनेक्ट भी हो गया और मैं अब आपको मोबाइल से एक चला के दिखाता हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करूँगा और आपको चला के दिखाऊँगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल और यहाँ से प्ले करते हैं मेरा वीडियो। एक छोटे शहर के दो टीचर्स की कहानी है ये, संजय जिसे मीरा से प्यार है और मीरा जिसे संजय और बॉलीवुड से। संजय को एहसास हुआ कि बंद हो गया है, तो ऐसा कस्टमर का कहना था और पंखा हमारा पूरा फ्री है। तो फ्रेंड आपने देखा अभी मैंने ब्लूटूथ किट को सेम चीज को चला के दिखाया, साउंड भी दिखाया। और चलिए मैं आप इसको पैक करते हैं। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों के पास ये ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ताकि वो अपना डेड वाले ब्लूटूथ स्पीकर को जल्दी रिपेयर कर पाए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मुझे क्या फ़ायदा जो जिन लोगों का ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाया और उसका डेड प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हुआ ब्लूटूथ स्पीकर का, तो मुझे इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिसके पास ये ब्लूटूथ स्पीकर है, और सभी लोगों तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो का, ताकि इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत मुश्किल के बाद इस प्रॉब्लम को मैंने ढूंढ निकाला है। तो चलिए आपसे और क्या बोलेंगे फ्रेंड, बहुत आप पे ही। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने यहाँ पर स्क्रूप लगा लिया और इसका भी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें न्यू सर्किट बोर्ड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कौन सा बेस्ट रहेगा साउंड क्वालिटी के अनुसार। मैंने तो ओरिजिनल बोर्ड का जैसा साउंड तो फिर दूसरा बोर्ड में मिलना मुश्किल है फ्रेंड, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा बोर्ड मिल जाए जिसमें साउंड अच्छी आपको देखने को सुनने को मिले। तो चलिए मैं यहाँ पर लगाते हैं और इसको चला के दिखाऊँगा पूरा कनेक्ट करके। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। अब चलिए मैं इसको लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सारे चीज़ को कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी वाली पिन है और ये दो स्पीकर वाली पिन है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से वीडियो में, अगर गलती से खोल के भूल गए होंगे तो पहला इधर से बैटरी लगेगा फिर स्पीकर लगेंगे, इस तरह से मेरे साथ भी मिस्टेक हुआ है तो इसीलिए मैं आपको बता दिया। अब चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसा साउंड आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए भाई फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और वीडियो को चेक करके दिखा रहा हूँ साउंड, वो देख लीजिएगा। Got a big cut of the cut.